हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अजानी एक्टिव केयर एक्ने कंट्रोल क्लारिफाइंग सीरम का रिव्यू। माय स्किन इज ड्राई, देन व्हाई एक्ने कंट्रोल सीरम? वो तो एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन के लिए होता है, राइट? एक्चुअली कुछ महीने पहले से जब मैं बाहर जाना स्टार्ट किया, फिर मास्क आई हैव टू वेयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसकी वजह से मुझे चीक्स पर मेजर ब्रेकआउट एंड एक्ने इश्यूज हो गए। सो उस टाइम मैं अजानी एक्टिव केयर का ही हाइलुरोनिक सीरम इस्तेमाल कर रही थी। And you all know how much I love that serum. मैं obsessed हूँ serum से, और मैं अपने हर vlogs में आप लोगों के साथ share करती हूँ। लेकिन उस serum को इस्तेमाल करके ये जो cheeks पर acne and breakout issues थे, वो ठीक नहीं हो रहा था। And I was so much worried. फिर मैं अजानी active care की ही website पर गई, and I started searching कि acne related उनके पास कुछ serum या cream है कि नहीं। Then I came across this acne control clarifying serum, and I thought let me try this one. अगर ये काम करेगा तो मैं आप लोगों के साथ share भी कर पाऊंगी कि ये काम करता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ये इस तरह से एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है, एक फ्रॉस्टेड बॉटल है। आई रियली लव द पैकेजिंग। बहुत ही सिंपल, स्लीक, क्लासी पैकेजिंग है, व्हाइट एंड ब्लू में। एंड ये 30 ml का है, विच रिटेल्स फॉर 669 rupees, विच इज आई थिंक अफोर्डेबल। मुझे तो ये अफोर्डेबल प्राइस ही लगता है फॉर सैलिसाइलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, क्योंकि इसके अंदर है सैलिसाइलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, विच आर द टू मोस्ट बेनिफिशियल इन्ग्रीडियंट्स फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर पिंपल प्रोन स्किन। So, इसी वजह से ही मुझे लगा कि मुझे इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो सैलिसाइलिक एसिड बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए। सैलिसाइलिक एसिड इज कोमेडोलाइटिक। इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को होने से रोकता है। अब ये कैसे होता है? एक्चुअली ये आपके पोर्स को काफी क्लीन करता है, बैक्टीरिया फ्री रखता है, जिससे कि फ्यूचर ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को ये प्रिवेंट कर पाता है। सो दिस इज रियली गुड फॉर एक्ने एंड ब्लेमिशेस। तो इसमें 2% है सैलिसाइलिक एसिड। तो 2% क्यों है? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं है? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर कोई जेल प्रोडक्ट में आप सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कंसेंट्रेशन होना है 0.5 to 5%, लेकिन उसे आप दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर लोशन फॉर्म में है तो उसमें सैलिसाइलिक एसिड कंसेंट्रेशन होना है 1 to 2%, जो आप दिन में 3 times इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें 2% है तो आप इसे 2 to 3 times दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड, विच इज प्रेजेंट इन 1%। ग्लाइकोलिक एसिड हमारे आउटर स्किन लेयर में जो बॉन्ड्स होते हैं स्किन सेल्स में, उस बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, इंक्लूडिंग डेड स्किन सेल बॉन्ड्स, जिससे डेड स्किन सेल लेयर पूरा रिमूव हो जाता है। इनफैक्ट उसका जो नेक्स्ट लेयर है वहां का भी बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता है, जिससे कि स्किन काफी स्मूदर एंड सॉफ्टर होती है। इनफैक्ट ग्लाइकोलिक एसिड कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट लव यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि ये एक एक्सेलेंट प्रेपिंग एजेंट है फॉर अदर इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे पोर्स से जो ऑयल है, जो सीबम है, उसे क्लीन करता है, ताकि बाकी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डीप लेयर्स तक पेनिट्रेट हो पाए। Now let's talk about the texture of the serum. इसका serum कैसा होना चाहिए? It is for oily acne prone skin. तो ये lightweight होना चाहिए। मैं हाइलुरोनिक सीरम इस्तेमाल कर रही थी, एंड देन आई स्विच टू दिस सीरम, तो मुझे तो एक मेजर डिफरेंस जो है वो मुझे नजर आया, क्योंकि हाइलुरोनिक सीरम जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक सीरम है, येट इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड क्विकली। बट ये सीरम काफ़ी लाइट वेट है, जो कि अगेन अब्जॉर्ब हो जाता है, बट इट टेक्स अबाउट फ्यू सेकेंड्स टू गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन। तो आप इसे अपनी इवनली अपने होल फेस पर अप्लाई करें, एंड जस्ट वेट फॉर 2 to 3 seconds, एंड आफ्टर 2 to 3 seconds इट विल गेट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन। Apart from salicylic acid 2% and glycolic acid 1%, it contains some other ingredients as well, like vitamin E hai iske andar, organic willow bark extract, licorice extract, organic aloe vera extract hai, fermented carrot extract hai. So these ingredients are so much beneficial to clear your skin, acne ko treat karne ke liye, blemishes, dark spots ko treat karne ke liye. And the best part is it does not contain parabens, SLS, and it is GMP certified.
अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द प्रोस. नंबर वन प्रो इज दैट इट इज अफोर्डेबल. 30 ml का आपको मिल रहा है फॉर 669 rupees, विच इज आई थिंक वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि मैं इसे 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये आधा भी नहीं फिनिश हुआ है. सो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने दिनों तक चलेगी आपको. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज पैराबेन फ्री, SLS फ्री, GMP सर्टिफाइड. सो आपकी स्किन के लिए ये बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थर्ड पॉइंट इज दैट इसकी पैकेजिंग काफी स्टर्डी है, लीक प्रूफ है एंड यूजर फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है. सो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगती है एंड ड्रॉपर फॉर्म में आता है, सो हाइजीन इज टोटली मेंटेन्ड. फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज इजिली अवेलेबल ऑनलाइन, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है. हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए, इट्स सो मच रिस्की आउट देयर. सो ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट नाउ डेज. तो ऑनलाइन ये इजिली अवेलेबल है. जितनी भी लिंक्स है परचेजिंग वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. फिफ्थ एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज दैट इट इज इफेक्टिव. ये काम करता है, इट रियली वर्क्स. इसने मेरे जो फेस पर जो मास्क नहीं है रादर, क्योंकि जो मास्क पहनने से जो एक्ने होता है आजकल जो नया टर्म है मास्क ने, तो ये मास्क ने को ट्रीट किया है. मेरे जो फेस पर जितनी भी एक्ने एंड ब्रेकआउट्स थी उसे काफी हद तक इसने रिड्यूस करने में हेल्प की है. अभी थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, जो पिंपल मार्क्स थे ना वो तो रह गए हैं, उसे तो ठीक होने में काफी टाइम लगेगा. बट आई एम श्योर कुछ दिनों में ये कम्प्लीटली फेड आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे दिन में 2 बार रिलीजियसली इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे तो काफी अच्छा ही लग रहा है. Now let's talk about the cons of this serum. If you have super dry skin, तो शायद आपको इसे apply करने के बाद एक moisturizer apply करना पड़ेगा, क्योंकि generally ये तो oily acne prone skin के लिए ही बना है ताकि ये बिल्कुल भी चिपचिपा या you know oiliness ना दे. इसीलिए super dry skin पर इस्तेमाल करने के बाद आपको एक moisturizer जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा. Like my skin is super dry, तो मैं इसे इस्तेमाल करने के बाद I always top it off with a moisturizer. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज सॉर्ट ऑफ फन प्रोडक्ट. लाइक आज फेस मास्क लगाने का मन किया तो मैंने क्ले फेस मास्क लगा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज अ ट्रीटमेंट, ये ट्रीट करेगा आपके फेस पर जितने भी एक्ने प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट प्रॉब्लम है आपके फेस पर, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स पर काम करेगा, रिंकल्स को काफी ये फेड आउट करता है, स्किन को काफी टाइटन करता है. सो इट इज अ ट्रीटमेंट. तो आपको ये डेफिनेटली अगर आपके ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. सो या दैट इज अ 5 vs 2 एंड ये जो 2 cons मैंने शेयर किए हैं वो भी काफी वीक कॉन्स है. सो आई कैन ओमिट दिस एंड मैं इस तरफ ही हूँ. ये इसके जो प्रोस है वो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं. सो आई कैन रिकमेंड दिस टू एवरीवन, मैन, वुमेन, टीनेजर, सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो या अगर आपके एक्ने इश्यूज है, अगर आप मेजर ब्रेकआउट या एक्ने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गिव दिस अ ट्राई, यू आर गोना लव दिस. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आजकल इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.